दिलों याद कीता मेरी जान, आ गया भर जाता सांपो तूफान। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है फेयरवेल, तो आई मैं चल रहा हूँ स्कूल साइड। तो आई बज रहे हैं दिन के 11, तो चलते हैं गाइस स्कूल में, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। वापस से हम घर आ चुके हैं, तो मेरे साथ ऋतिक भी आ गया, क्योंकि गाइस हम भी स्कूल गए थे। बट यार कुछ प्रोग्राम ही नहीं है, मतलब प्रोग्राम है बट यार हमारा टाइम है। वैसे 11 बजे बुलाया था, अभी टीचर्स बोलते 12 बजे तक आओ, बाहर वेट करो। गाइस हम बाहर रुकने वाला मिस नहीं है। गाइस अभी घर आए, थोड़े बॉल वगैरह सेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं गाइस वापस से स्कूल। फाइनली अभी हम स्कूल के बाहर पहुँचे, इधर का माहौल। तो बाकी बच्चे वगैरह आए हुए हैं, तो अभी हम चलेंगे स्कूल के अंदर। अंदर ही अभी जाएंगे गाइस, अभी थोड़ा बारबर के पास चलेंगे, तो सेट वगैरह करवाएंगे, थोड़ी बीएड वगैरह, फिर चलेंगे स्कूल में। गाइस अभी हम खड़े हैं स्कूल के बाहर, कुछ बच्चे भी खड़े हैं। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं सरदार जी का वेट, जो हमारे साथ पिकनिक गए थे, उनसे कुछ सामान लेना है, बाकी फिर हम चलेंगे गाइस अंदर। गाइस कब कर रहे हैं अभी हम सरदार जी का वेट, तो बाकी बच्चे भी आ चुके हैं। तो गाइस आते हैं, उनसे एक चार्जर लेना है, क्योंकि जिस दिन हम पिकनिक गए थे मेरा चार्जर उनके पास रह गया था। तो बाकी मिलते रहे गाइस, मुझे टाइम लगा, मैं पंजाब चले गया था चार्जर ही लेने हुआ, अभी आ रहे हैं उनसे लेते हैं चार्जर। गाइस सरदार जी से चार्जर ले लिया, वो चले गए जम्मू की ओर। तो बाकी भीड़ चेक कर सकते हो, हमें अभी 12:30 चल रहा है अंदर। गाइस फाइनली अभी हम स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं, तो इधर कुछ ऐसा इतना देखते हैं गाइस आगे का क्या बनता है। अभी हम चलेंगे ऊपर जहाँ फेयरवेल होगी, तो बाकी इधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बट हम तो क्रिकेट के शौकीन नहीं है। तो भाई चलते हैं फिर ऊपर, आपको दिखाते हैं आगे क्या प्लान है हमारा। मैच चल रहा है, पांच भाई आए हमारे लिए सेंटर रश लेके, कोई दो ही जिसमें से हम तो गाइस दो ले लिए भाई, ले लो लेकिन एक हम मानिक जी को भी देंगे, एक उसको खान को भी दो, खान को भी दो। तो गाइस सेंटर रश खा ली हमने, तो अभी अब एक बार उधर ऊपर हमारी फेयरवेल होगी, ऊपर का व्यू चेक कर सकते हो। बाकी गाइस इधर क्रिकेट चल रहा है, तो पार मैम भी बैठे हुए, देखते हैं गाइस आगे क्या बनता है सीन। तो गाइस आए हम इधर मैम के साथ, इधर फोटो वगैरह खींचते हैं मैम के साथ। तो बाकी ऊपर का व्यू आप चेक कर सकते हो, इधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर हमारे पुराने सीनियर्स मिल चुके हैं हमें, और अतुल जी आपका क्या हाल है कुछ? तो गाइस आपने पिछले ब्लॉग में देखे होंगे हमारे पुराने सीनियर्स हैं, गाइस आपको मिलाते हैं। तो हमारे सुनील भाई भी आ चुके हैं, हमारे पीछे देखा होगा इनको पिछले ब्लॉग में, जो हमारी पिछली फेयरवेल थी। गाइस अभी चलेंगे हम स्कूल में। गाइस अभी हम इधर नीचे लंच करने का सिस्टम, मतलब प्रोग्राम नीचे, फिर हम ऊपर चलेंगे, डांस वगैरह और अदर एक्टिविटीज़ करेंगे। बाकी आता है लंच तो फिर आपको दिखाते हैं आगे पीछे का क्या सिस्टम है। बाकी अभी क्रिकेट भी चल रहा है नीचे, गाइस T20 सीरीज चल रही है नीचे। रोहित शर्मा जी पार दुकान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने गए, धोनी वगैरह नीचे बाथरूम गए हुए। तो बाकी और ही प्लेयर्स आपको हम मिलवाएंगे, पहले हम लंच कर लेते हैं फिर मिलवाएंगे गाइस। गाइस अभी पोपट हो गया है, क्योंकि डिस्पोजल स्कूल में कम पड़ गए हैं, तो वैसे हमें डिस्पोजल लेने देने जाना ही पड़ता था, बाकी सर बोल रहे हैं आप चलो वहाँ से डिस्पोजल लेने, तो चलते हैं गाइस डिस्पोजल लेने। इससे कम से कम आधा किलोमीटर दूर है, दिखाते हैं आपको आगे जाएँ डिस्पोजल लेंगे उस शॉप। तो गाइस आ चुके हैं हम इधर डिस्पोजल लेने के लिए भी एक शॉप में, तो हमारे साथ सर आए, लेते हैं डिस्पोजल गाइस, चलते हैं फिर वापस से स्कूल में। गाइस अभी हम प्लेट्स वगैरह लेके आ चुके हैं, तो गाइस ये 9th वाले हैं, तो काम इनका था ये काम करना, बट गाइस हम जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो, आपका इतना ढीला काम किया ऐसा क्यों? यार तीनों बच्चे क्या काम करें यार, तो आपकी क्लास में 22-25 बच्चे थे, उनमें से थी बाकी कहाँ गई? बाकी गाइस ऐसे ही इस बार तो प्लेट्स वगैरह तो हम ले आए, देखते हैं आगे क्या सीन है। तो बच्चे आ रहे उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो धोनी जी नीचे बाथरूम करने गए हुए हैं, कौन से धोनी? MS धोनी। बाकी रोहित शर्मा पार गए हैं स्टिंग पीने के लिए, बाकी गाइस प्लेयर की मुझे नाम ही नहीं पता। बाकी इधर इंस्टाग्राम चल रहा है, गेम वगैरह खेल रहे हैं, ये कुछ सामान रखा है। तो बाकी वो पार भी गाइस बातें चल रही हैं, पता नहीं किनकी चल रही हैं। तो गाइस इधर बच्चे लगे हैं रोने के लिए, क्योंकि लास्ट दिन है स्कूल में, तो गोविंद तो गोविंद भाई आज इधर रोएंगे। ऋतिक भाई आप रोएंगे, लास्ट डे है स्कूल का। ये क्या है गाइस, मुझे गाइस हमें रोना वाला है, गाइस हम रोने वाले मिस नहीं है, हम रो रहे गाइस। अभी 2 बज गए हैं, तो कोई अभी प्रोग्राम हमें दिख नहीं रहा, तो सौरभ भाई आ रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या मतलब आपके इतने वीक प्रोग्राम क्यों, अभी 2 बजने वाले, हमें भूख लगी हुई, कुछ खाने पीने कुछ है ही नहीं। मेरा पता नहीं यार भाई, मैंने खुद अपने चाचू की शादी में जाना है, गाइस जिसके चाचू की शादी है, 2 मतलब 2:30 बजे बारात निकली है, 2 बज गए, तो गाइस कुछ प्रोग्राम नहीं है, बड़ा ढीला प्रोग्राम है। सौरभ भाई क्या मतलब, कुछ ना कुछ तो आपने रात को मतलब 2 दिन पड़े थे आपके पास, कुछ ना कुछ तो कर सकते थे हम। गाइस जब हमने फेयरवेल दी थी, हम सुबह 6 बजे स्कूल आए थे, अच्छा तो मैं सुबह स्कूल 10 बजे लगता है, हम 6 बजे आए थे, हमने इतना अच्छा प्रोग्राम किया था कि कहने की बात नहीं। लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में, मेरा पिछला ब्लॉग भी चेक कर सकते हो फेयरवेल वाला। फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट ही हो गया, अब हम करेंगे लंच वगैरह, फिर आपको दिखाएंगे आगे पीछे का व्यू। बोला
लो टेबल सर भाई चल रहे अभी हम खाना खाने के लिए। मैम इधर बैठती है गाइस। अभी हम कर रहे हैं लंच करके गाइस फिर आपको इधर आपको सर्वे आगे बीच का भी दिखाएंगे। ये हमारी 9th क्लास देख रहे हैं। हेलो हेलो मैं वहाँ भी आ जाऊँ ब्लॉग में। मैम का फेवरेट स्टूडेंट तो भाई लंच वगैरह हमने कर लिया। अभी बच्चे आए पानी पीने के लिए, पानी तो हम पियेंगे नहीं, हम जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो गाइस बाकी ऊपर 9th वाले कर रहे हैं अभी लंच, तो अभी इधर बच्चे कुछ पानी पी रहे हैं। तो गौतम भाई आपको कैसा लगा खाना खा के? बहुत अच्छा खाना, अच्छा था। आप कहना चाहते हो आप? तो वैसे ही बच्चे कह रहे हैं खाना अच्छा था, बट मुझे भी गाइस अच्छा ही लगा। अभी हमने इधर चार्ज मंगाई है पीने के लिए, तो मेरे लिए तो गाइस बाकी चार्ज वगैरह। तो गाइस अभी हम चार्ज मंगाइए खाना वगैरह खा के हमें अच्छा डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो हम कोल्ड ड्रिंक पी गए, खाना डाइजेस्ट करेंगे, फिर हम चलेंगे ऊपर डांस वगैरह भी करेंगे और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमको हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे। तो बाकी 9th क्लास वाले बच्चे लंच कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह भी कर रहे हैं, फिर हम खा के फिर हम ऊपर चलेंगे हॉल में। तो बाकी गाइज अगर आपने अगर पिछली फेयरवेल का ब्लॉग देखना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर जाके आप चेक कर सकते हो। तो गाइज चार्ज वगैरह पी नहीं उड़ाई है क्योंकि गाइज डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं बाहर की चीज़ें कम ही खाता हूँ क्योंकि गाइज नकोदर वाला ब्लॉग मैंने गाइज एडिटिंग करके रखा हुआ है। तो गाइज मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जैसे मैं जम्मू पहुँचा, हम सुबह सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन जम्मू थी, तो 9 बजे मैं घर बैठा, 9 बजे घर पहुँचा, मैंने नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह की। तो गाइज ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइज मुझे वोमिटिंग होने लगी, तो मतलब रात को 12-1 बजे मुझे वोमिटिंग होती रही। फिर मैं यानी कि जिस दिन घर पहुंचा उसके अगले दिन मैं जम्मू गया मतलब सुंदर बन गया। आपने इधर मार्केट में उधर डॉक्टर वगैरह को चेक कराया, उसने मुझे 2-3 वगैरह टेस्ट वगैरह लिखे, अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखी, वो मैंने करवाई। तो गाइस लीवर में स्वेलिंग थी और गाइस मुझे जॉइंटिस हुआ था। गाइस अब बाहर की चीज़ें सारी बंद की हुई है, तो गाइस अब घर की चीज़ें खानी, फ्रूट्स वगैरह खाना, तो ऐसी ज़िंदगी निकालनी है। तो बाकी अभी हम चलेंगे ऊपर, तो दिखाएंगे आपको आगे पीछे का व्यू। अभी हम इधर पीछे फोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, रील्स वगैरह बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। आपको इंस्टाग्राम आईडी बताई भी है कृष शर्मा स्टेट, जाके जरूर विजिट कर सकते हो। तो बाकी पीछे चेक कर सकते हो, बच्चे बोल रहे हैं हम रोने लगे क्योंकि लास्ट ईयर बड़े यार हम रोएंगे नहीं चार्ज। तो बाकी चलते हैं हम आईफोन का आगे हो। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं इधर ऊपर, तो कोई कैमरा मैन ढूंढते हैं जिसको हम फोन देंगे अभी। तो हाँ जी ब्रो, तो वीडियो कौन बनाएगा हमसे? बनाएगा अरे आ जा, इसको फोन देते हैं। बाकी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। Yes, we got
मेरा नाम कृष शर्मा है, मैं यूनिट बॉयज हाई स्कूल की दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, आज हमारे स्कूल में मेरा आखिरी दिन है। तो मुझे स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छा लगा। कम से कम आठ साल से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसके टीचर अच्छे नहीं होते, बट ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अकेडमी में भी 3-4 साल पढ़ा हूँ, बट अकेडमी के मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं सभी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल में आओ, पढ़ो। इधर खेल कूद वाली पूरा सिस्टम होता है, और खाना पीना मतलब मिड डे मील मिलता है बच्चों को। बाकी हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, और हमें टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। तो बस यही कहना चाहता हूँ। टेंथ क्लास बोला है। केक वगैरह आ गया, तो अभी हम केक वगैरह खाएंगे। बस केक गाइस, इधर फेयरवेल वगैरह खत्म हो चुकी है। हमारे साथ मैम है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? कौन है? यूट्यूब में व्लॉग बना रहा हूँ गाइस। मैम शर्मा आ गए, तो बाकी मैम हमारे एसएसटी में बिल्कुल हेल्प करेंगे। मैम करोगे ना गाइस? करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं भाई गाइस घर की ओर। तो गाइज फाइनली फेयरवेल वगैरह खत्म हो गया। हमने गाइज डांस वगैरह करना था, बट यार लाइट ही चलेगी, हमारे साथ पॉपिट हो गया। तो गाइज कुछ खास नहीं था इस व्लॉग में, फिर भी गाइज कमेंट करके बता देना व्लॉग कैसा था। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। अगर व्लॉग आपको थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। भाई गाइज निकोदर वाला व्लॉग मैं आपको एक दो दिन क्या, अगर ये व्लॉग आज शाम को आया तो कल शाम को निकोदर वाला व्लॉग भी डाल दूंगा। गाइज फुल सपोर्ट करना। आजकल तो व्लॉग भी परमानेंट में, यानी कि रोज़ पर डे व्लॉग आ रहे हैं। थोड़ी बहुत गाइज सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ही लगा इस बार।